हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं एआरएसजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर हालांकि इनका कंप्लीट हो चुका है और इनसे पूरा पूरा एआरएसजी के बारे में जानने वाले हैं, डिटेल्स। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो लोकेश, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम लोकेश है। मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम है, जिसमें हिस्ट्री एज अ मेजर और पॉलिटिकल साइंस एज अ नॉन मेजर कहें या माइनर कहें। थैंक यू। तो लोकेश, जैसा कि आपका बीए प्रोग्राम है हिस्ट्री और पॉल साइंस है, एंड इसका कॉम्बिनेशन जो है काफी, मतलब एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है बीए प्रोग्राम में। बच्चे काफी इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज जिनको यूपीएससी करना होता है वो बीए प्रोग्राम के लिए इंक्लाइंड ज्यादा होते हैं, और बीए प्रोग्राम में पॉल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन जो है ये काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट्स आ जाता है। तो ये बताइए कि आपका सीवीटी स्कोर क्या था एंड क्या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, इसको थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मेरा सीवीटी स्कोर 716 एंड मेरा कैटेगरी जनरल था। और जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो कम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री और पोल साइंस का, ये काफ़ी एडमायरिंग कम्बिनेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसके लिए ये जो कम्बिनेशन है काफ़ी अच्छी है। मैंने सिलेबस भी मैच करा, काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, तो इससे काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी हद तक हेल्प मिलती है। थैंक यू। अच्छा लोकेश, ये बताइए कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एनईपी के तहत आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी लाइट डालिएगा स्टूडेंट्स को। एंड क्योंकि बीए प्रोग्राम काफी ऐसा कोर्स माना जाता था जिसमें काफी ज्यादा टाइम मिलता था, और अब एनईपी के आने के बाद से क्या मतलब उतना टाइम मिल पा रहा है, और प्रिपरेशन बच्चे जो करेंगे वो ढंग से कर पाएंगे? जैसा कि आपने सब जानते हैं कि एनईपी गवर्नमेंट के थ्रू 2020 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 से इसको अपनाया, और उस कारवां में हम लोग पहले बैच के छात्र हैं जो नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे कि इसमें क्रेडिट सिस्टम लाया गया है, तो इसको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। इसमें आप किसी भी ऑनर्स के हों या बीए प्रोग्राम के हों या इरेस्पेक्टिव आप किसी भी कोर्स के हों, तो आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आप अगर ऑनर्स के हैं तो आपके पास 3 डीएससी होते हैं। डीएससी का मतलब क्या होता है ये जानते हैं? डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, ये आपके 3 होते हैं। अगर आप प्रोग्राम में हैं तो मेजर और माइनर का कंसेप्ट होता है। मेजर में आप क्या करते हैं कि आप जो सब्जेक्ट मेजर की तरह चुनते हैं उसका आप डीएससी का 2 पेपर पढ़ते हैं, जिसका आप माइनर के चुनते हैं उसका 1 पढ़ते हैं। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो एक जीई आता है, जीई का मतलब होता है जेनेरिक इलेक्टिव। फिर आती है एईसी, एईसी का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। फिर आती है वीएससी, जिसको वैक जनरली लोग कहते हैं। वीएससी का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्स। एंड द लास्ट वन दैट इज नॉट लिस्ट एंड दैट इज द एसईसी, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिक। सिक मीन्स स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अब एक एक करके इनके हम क्रेडिट सिस्टम को समझते हैं। जो आपके 3 कोर पेपर होंगे, हर एक कोर पेपर 4-4 क्रेडिट को होंगे, और चौथा जो आपका जी है वो भी 4 क्रेडिट का होंगे, और जो पांचवा जो पेपर होगा आपका एईसी वो 2 क्रेडिट का होगा, आपका वीएससी वो भी 2 क्रेडिट का होगा, आपका एसईसी वो भी 2 क्रेडिट का होगा। टोटल एक सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट पढ़ने हैं। या बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब ये बताइए कि बीए प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें टाइम मैनेज कर पाते हैं क्या, और क्या सफिशिएंटली टाइम मिल पाएगा? अगर कोई बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बीए प्रोग्राम उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, तो क्या कैसा प्रिपरेशन के लिए मतलब टाइम मिल पाएगा, या फिर नहीं, और कैसे क्या सीन है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो हिस्ट्री के सिलेबस को हम जब फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को जब देखते हैं तो पाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर की जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम पाएंगे कि हमें 8 यूनिट पढ़ने होते हैं। प्रत्येक यूनिट हमें एक नई चीज़ सिखाती हैं और नई हिस्ट्री की नई आयाम को पहुंचाती है। और जैसे जैसे आप अगर हिस्ट्री को देखते हैं
तो उसकी जो सिलेबस आगे बढ़ती है, तो ऑप्शनल अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो ऑप्शनल की भी हिस्ट्री की सिलेबस इसी के साथ आगे बढ़ती रहती है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आप सोच के चल रहे हैं कि यूपीएससी सीईसी में अगर आप इसको ऑप्शनल की तरह देख रहे हैं, तो उसकी भी सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिस्ट्री की सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको 1 से 8 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है, उसमें आपको 3 यूनिट पढ़ने होते हैं। और वहीं अगर हम हिस्ट्री मेजर की बात करें, तो उसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। तो इस विषय को आपको समझना होगा कि आप अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास दोनों चीज़ की सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपके पास यूपीएससी सीएससी की सिलेबस आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो कोर पेपर है उसकी भी सिलेबस आपके पास साथ होना चाहिए, ताकि आप एक कंपेरिजन बिल्ड कर सकें कि कौन सी चीज़ें मिल रही है और कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही है। फिलहाल मैं तो प्रिपरेशन साथ साथ नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो पूरा केंद्र जो बिंदु है वो बिल्कुल अभी जो सिलेबस है, जो कॉलेज लाइफ है, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है कि साथ साथ तैयारी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, तो इस विषय में बोलना बिल्कुल उचित नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपने बता दिया जो आपको पता था, और सही बात है, अभी तो आप खुद अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, तो अभी उतना अनुभव भी आपको लेना बाकी है। हालांकि बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रिपेरेशन बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप भी अगर 1-2 घंटा समय, अगर आप जैसा कि आपने बताया जैसे सिलेबस वगैरह काफ़ी सिमिलर है, सेम ही है, तो बच्चे अगर स्टार्टिंग अपना कॉलेज का ही सिलेबस ढंग से कर ले, तो बहुत चीज़ें कवर वहीं पर हो जाती हैं। अनडाउटेडली तो वो कवर हो गया, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर आप जैसे ही कॉलेज से निकलोगे, तो फिर आप 1 साल के अंदर या फिर जो भी आपका है बाकी चीज़ें जो है आप वो भी कवर अप कर सकते हो, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आई होप। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं बताया, टाइम मैनेजमेंट का क्या है? दिक्कत तो ज़्यादा नहीं हो रहा ना, 7 सब्जेक्ट्स ऐड हो गए, तो ऐसा कुछ? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। बिल्कुल, आप सारी चीज़ों को करके को पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज़ की तरफ स्टिक होना होगा कि सिर्फ पढ़ना ही है, ऐसी चीज़ नहीं है। आप मेरा जो रूटीन रहा वो रहा कि मैं रेगुलर कॉलेज जाता था, और सबसे अच्छी बात हमारी कॉलेज की कि हमारे कॉलेज के जो फैकल्टी हैं वो बिल्कुल पढ़ाते थे रेगुलर बेसिस पे। तो एक जब टीचर सामने से पढ़ाते हैं तो आपको भी जानने का इच्छा होता है। तो हमारे जो टीचर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो डॉक्टर विकास सर ने काफ़ी रेगुलर क्लास ली, काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ाया, सिलेबस को एनालिसिस कराया उन्होंने। फिर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री मेजर की पढ़ाई हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वीएम झा सर, डेट इज़ अ वो मार्वेलस टीचर हैं, और विश्वमोहन झा सर, उन्होंने काफ़ी बेसिक लेवल से चीज़ों को उठाया और हम सभी को समझाया कि कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है, किसी कैसे हिस्ट्री को समझना है। ये हिस्ट्री मेजर में उन्होंने पढ़ाया था। हिस्ट्री माइनर में मिहिर सर, संदीप सर, फर्स्ट सेमेस्टर में मिहिर सर ने पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर में संदीप सर ने पढ़ाया। संदीप सर की जो खासियत ये है कि वो बिल्कुल टॉपिक से स्टिक रहते हैं, जो आपके सिलेबस में असाइन की गई है उससे स्टिक रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ाएंगे। मिहिर सर की एक खासियत आपको बताना चाहूँगा कि मिहिर सर जो है ना वो चैलेंजिंग नेचर के हैं। वो क्लासरूम में जब आएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है, ये काफ़ी अच्छी लगती है। सारे टीचर के जब मैंने नाम रखा, प्रोफेसर वीएम झा सर, विकास सर, मिहिर झा सर, संदीप सर, ये बिल्कुल सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं अपने कामों के प्रति, और एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं है। आप जब बिल्कुल कॉलेज में आएंगे तो जो सारी चीज़ें मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें पाएंगे कि टीचर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा कि जब ये सेकेंड सेमेस्टर, ये हाल की ही बातें हैं, कि मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त, सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त, मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो यूनिक पेपर कोड होता है उसमें मैंने गलती कर दी। और ये गलती मैं एग्जामिनेशन हॉल में 1 अगस्त को जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी है। एग्जामिनेशन हॉल के निकलने के बाद मैंने एग्जामिनेशन जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विकास सर, उनसे मैंने बात करी, और जो
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, इंचार्ज हैं डॉक्टर राजेश सर, उन्होंने उनसे मैंने बात करी उनके माध्यम से। राजेश सर ने पहले से ही इस चीज़ को करेक्ट कर दिया था, ऑटो करेक्ट कर दी थी, जो मैंने गलती फॉर्म फिलअप करने वक्त करी थी वह गलती उन्होंने ऑटो करेक्ट कर दी थी। तो इस तरह से चीज़ें हमारे यहाँ आगे बढ़ती है। बात करें टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट मैंने करा है और आप भी कर लेंगे। शुरू शुरू में चीज़ें सेटल होने में टाइम लगती है, बिल्कुल लगे कि आप एक कॉलेज से आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज की तरफ आ रहे हैं। स्कूल लाइफ में क्या होती है कि एक बुक से आपकी पूरी सिलेबस खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 5-6-7-8 बुक पढ़नी पड़ सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू, और इशू को आप भी हैंडल करेंगे। कैसे मैंने हैंडल किया आपको बताता हूँ। जो क्लास के में टीचर जो पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने वक्त मैं शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट लिख लेता था, और मैं खुद से भी पढ़ता था चीज़ों को घर पे, और उसका भी मैं नोट्स प्रिपेयर करता था ताकि एग्जामिनेशन वक्त मुझे आसानी हो रिवाइज करने में। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जी, जी में मेरा हिंदी था जिसको रूफी मैम और रेनू बाला मैम ने पढ़ाया, और रेनू बाला मैम, प्रोफेसर रेनू बाला मैम काफ़ी अच्छी लेखक हैं, काफ़ी अच्छी टीचर हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में अपने चीज़ों को पढ़ाती हैं। रूबी मैम भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को पढ़ाए। तो टीचर भी एक मायने रखता है कि टीचर कैसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, कैसे सिलेबस को वो देख रहे हैं, और आपको बिल्कुल टीचर के साथ चलना है। अगर टीचर के साथ साथ आप चल रहे हैं, अगर आज क्लास जो आपने करा उस चीज़ को आप घर पर आके पढ़ लेते हैं, पैरेलली अगर चल रहे हैं, पैरेलल वे में आप चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू ही नहीं होगा। आप बिल्कुल पार्क में भी घूम सकते हैं, कैंटीन में भी जाके इंजॉय कर सकते हैं, और प्ले ग्राउंड में जाके 2-3 घंटे खेल भी सकते हैं। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। एसी में भी आपको वही चीज़ करना है, टीचर जो जिस दिन जो चीज़ पढ़ाए उस दिन आपको पढ़ लेना है। वैक और सैक की 2 दिन ही क्लास होती है और 2-2 घंटे ही क्लास होती है, तो उस तरह से आपको मैनेज करना है, और बिल्कुल आप मैनेज कर लेंगे। एक्चुअली बहुत डीपली एंड आपने एक्सप्लेनेटरी वे में पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई होप सबको क्लैरिटी मिल गया होगा। बाकी अब हम कुछ कॉलेज के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि कितना कोऑपरेटिव कॉलेज स्टाफ है या फिर जो प्रिंसिपल हैं। बाकी ये बताइए कॉलेज की कैंटीन की आपको कैसी लगी? बिल्कुल आप भी जब किसी छोटे शहर से आते हैं, जैसे कि मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार का हूँ, और मैं पटना में रह के 11th-12th की पढ़ाई करा, और 11th-12th पटना से पढ़कर जब आप स्टेट कैपिटल से जब आप नेशनल कैपिटल में आते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। और बिल्कुल जब मैं कॉलेज कैंटीन में गया तो कैंटीन से काफ़ी प्रभावित हुआ कि जो मैं बाहर चीज़ों को खाता था तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, लेकिन जब कॉलेज में मैं चीज़ लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, जो भी मैं लेता था वो काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट में, अफोर्डेबल प्राइस में, और दूसरी चीज क्वालिटी भी बेस्ट, बिल्कुल क्वालिटी भी बेस्ट होती थी। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो वहाँ की क्लीननेस थी, जो साफ सफाई थी, वो काफ़ी एडमायरिंग था। तो कॉलेज की जो कैंटीन है, कॉलेज की कैंटीन काफ़ी अच्छी है। आप बिल्कुल जब आएंगे तो कॉलेज की कैंटीन देखेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, कैंटीन आपको पसंद आई एंड कैंटीन सही में अच्छी भी है। मैंने भी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक किया है कैंटीन का। बाकी और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप किसी सोसाइटी में हो या फिर नहीं कॉलेज में? बिल्कुल मैं एक सोसाइटी में हूँ, और सोसाइटी तो काफ़ी है हमारे कॉलेज में। लगभग हम बताएं आपको कि 20 तो ऑथराइज सोसाइटी हैं और 10-15 अनऑथराइज, वो भी कुछ दिन के अंदर में ऑथराइज हो जाएंगे। इस तरह की सोसाइटी चलती है हमारी कॉलेज में। तो मैं एक उनमें से मुझे काफ़ी सूट करा वो सोसाइटी, धीरा सोसाइटी में हूँ। और धीरा सोसाइटी की है क्या, तो धीरा सोसाइटी जानने के पहले धीरा का मतलब जाने। धीरा का मतलब होता है सोबर, सोबर का मतलब होता है सभ्य इंसान। तो धीरा सोसाइटी जो बिल्कुल उसका जो सेंटर पॉइंट है वो लॉर्ड कृष्णा है, वो कृष्णा कॉन्शसनेस के बारे में बिल्कुल एडियर है, उसके प्रति एडियर है। वो आपको बताएगा कि आप कॉलेज लेवल पे आप भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में अरण्य कांड में 9 भक्ति की बात कही गई है, तो 9 तरह की भक्ति की बात कही गई है। तो धीरा सोसाइटी में जुड़ने के बाद आप अपनी एकेडमिक
जो क्वालिफिकेशन तो लेते रहेंगे और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की वे भी तरफ भी आप बढ़ेंगे। तो मुझे ये सोसाइटी काफ़ी हद तक पसंद आया क्योंकि मेरा उसमें रुचि था और मैंने अपने रुचि के अनुसार ही उस सोसाइटी को ज्वाइन करा। और उसके जो जो सीनियर हैं, जो वंशीधर प्रभु, वो काफ़ी चीज़ों को हेल्पिंग इन नेचर हैं, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आके आपको आपको समझते हैं और आपकी भावनाओं को समझते हैं और फिर आपको आंसर करते हैं कि आगे क्या करना है। वो जिस तरह से सेशन लेते हैं, ब्रह्मचारी को बुलाकर कॉलेज में सेशन लेते हैं, आपको समझाते हैं कि आप भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात जो होती है कि हम जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में काम, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या काफ़ी प्रभावी होती है हमारे मस्तिष्क पर, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और बिल्कुल मैं इस सोसाइटी में जब जुड़ा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जुड़ा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैं काफ़ी एक्टिव रहा। जब से मैं एक्टिव हूँ तो मैं अपने जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन देखा हूँ। और हम बिल्कुल न्योता देंगे यहाँ से इस मंच के माध्यम से कि आप भी उस सोसाइटी को बिल्कुल एक बार दो बार देखें और बिल्कुल सेशन अटेंड करें, काफ़ी हद तक आपको मदद करेगी। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड मैं भी यही सजेशन दूंगा कि एक बार ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी को। आपको स्पिरिचुअल आपका होना बहुत जरूरी है, वो आपको खुद के माइंड को पीस ऑफ स्टेट देगा एंड आपको एक अलग कॉन्शियसनेस देगा जो कि आपके लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी जैसे आपने बताया कॉलेज लाइफ में कितने सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से हम गुजरते हैं, तो उसमें जरूरी है कि हमारा माइंड थोड़ा कंट्रोल्ड वे में काम करे जिससे कि हम अपने पढ़ाई और एकेडमी के साथ साथ पर्सनल और भी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस में लेके चले। एंड बैलेंस करना मतलब बेटर सिखाता है वो सोसाइटी, क्योंकि उससे आप बहुत चीज़ सीख पाते हैं, मेडिटेशन वगैरह बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। एंड आप ये बताइए जैसे कि ARSD कॉलेज जो है NIRF 6th रैंक होल्ड करता है एंड NAC में हमारा कॉलेज पूरे इंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर वन कॉलेज, जिसका 3.77 स्कोर जो भी है, मतलब हाईएस्ट एक्रेडिटेशन है और रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी रैंकिंग है। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइएगा कि मतलब क्या क्या चीजें पसंद है आपको और जस्टिफाई करता है या नहीं करता। बिल्कुल, अगर बिल्कुल जस्टिफाई करता है और मैं इस कॉलेज में हूँ और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, अनुभव 9 महीना का ही है लेकिन मैंने रेगुलर क्लासेज की है, रेगुलर कॉलेज गया है, तो हर एक पहलू को मैंने ध्यान से देखा है। बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि NIRF रैंकिंग हमारी 6 है, पूरे जो NIRF रैंकिंग हमारी 6 है अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि जो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को बता रही है कि हमारी कॉलेज 6 है तो उस चीज़ को होल्ड भी करती है पोजीशन को हमारे कॉलेज में। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर द मेन थिंग, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छी है, प्लेग्राउंड, फैकल्टी और जनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट जनरल्स, हमारे यहाँ सोसाइटी भी काफ़ी एक्टिव है। और कहा जाता है ना कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर कोई एक्सल होता है, अगर कोई पिन पॉइंट होता है, तो वो उसके फैकल्टीज होते हैं, उसके स्टूडेंट होते हैं और उसके उनके नॉन टीचिंग स्टाफ भी। तो हमारे यहाँ जो तीनों है ना, अब बिल्कुल आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तो आप तीनों को देखेंगे एक साथ, एक नज़रों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई कॉलेज NIRF रैंकिंग में 6 आया है तो उसमें उनकी क्या भूमिका है। अगर वो NAC में 3.77 और ग्रेडिंग A++ लेकर आया है तो उन छात्रों की, उन फैकल्टी की और उन नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या भूमिका रही है आप बिल्कुल देखेंगे। और काफ़ी सीनियर्स हमारे हैं, वो बिल्कुल यहाँ डेमोक्रेटिक माहौल है हमारे कॉलेज में, एक दूसरे का हेल्प करेंगे और कहा जाता है ना कि हेल्प शेयरिंग इज केयरिंग, तो उस तरह की चीज़ें हमारे कॉलेज में इवॉल्व करती है। और बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया, बाकी आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि जैसे कि सोसाइटीज़ का आपने बता ही दिया, फैसिलिटीज़ तो हमारे कॉलेज में सारी हैं ही हैं। एक बचता है ये जो बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करता है वो नॉर्थ कैंपस में जो है अट्रैक्शन का केंद्र है ड्यू में आने का सबसे बड़ा लोगों का, किसी से भी पूछेगा तो नॉर्थ कैंपस, बिकॉज उसकी लेगेसी ही है और उसका पहले से बना हुआ है हाइप और चीज़ें, क्राउड काफ़ी बढ़िया है, एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया है, तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। हालांकि हमारे कॉलेज का भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि साउथ कैंपस में हम लोग यहाँ पे हैं तो क्राउड और एक्सपोजर की बात करें तो उस पर थोड़ा सा आप बताइए, बिकॉज
क्राउड एंड एक्सपोजर ही है जो बच्चों को खींच जाती है नॉर्थ कैंपस में, अदरवाइज फैकल्टी और फैसिलिटीज तो हमारे पास भी बहुत बढ़िया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग छोटे शहर से आते हैं, चाहे दिल्ली के ही हैं, तो चीज़ें ये होती हैं कि हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते नहीं हैं। हमें जिस तरह से चीज़ें बताई गई होती हैं, जिस तरह से हम किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम चीज़ें को सुनते हैं, हमारे सीनियर से सुनते हैं, उस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। और बिल्कुल हाइप होती है, और नॉर्थ कैंपस की भी हाइप है, और बिल्कुल उनकी एक हिस्टोरिकल लीगेसी रही है नॉर्थ कैंपस की। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब स्थापना हुआ, उस समय से कुछ कॉलेजेस साथ में इवॉल्व कर रही है। तो मेरा मानना है कि अगर मेरे कॉलेज के बारे में मुझे बताना है, तो हम अपने कॉलेज के सारी गुणों को और एट्रीब्यूट को बताएं, और जो कुछ कमियां हैं उसको हाईलाइट करें, रेदर देन कि हम तुलनात्मक तरीके से किसी चीज़ को बताएं कि उनमें ये कमी है और उनमें ये कमी है, हमारे में अच्छाई है। हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। मेरा और अगर विचार ये है कि अगर हमारे कॉलेज को अगर बताना है मेरे कॉलेज के बारे में, तो बिल्कुल अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी बातें और क्या कमियां हैं। एक्सपोजर की बात करें तो बिल्कुल एक्सपोजर मिलती है किसी भी कॉलेज में जाएं। और सबसे पहला एक मिथ है कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, तो एक दिमाग में आता है कि सनातन धर्म की बातें, तो हम आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सनातन धर्म कॉलेज क्लासरूम में आप जब बैठेंगे और आप कॉलेज कैंपस में रहेंगे, कैंटीन जाएंगे, आइसक्रीम सेंटर पे जाएंगे, कॉफ़ी सेंटर पे जाएंगे हमारे कॉलेज में, तो इस सनातन धर्म के बिहाब पे आपको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं मिलता है। मतलब हमारे टीचर भी इसकी बात ही नहीं करते हैं कौन किस धर्म से है और कौन किस जाति से है और कौन किस समुदाय से है और कौन किस एथनिसिटी से है। हमारे कॉलेज में सभी बच्चों को एक नज़र से देखा जाता है, हमारे टीचर भी, हमारे प्रोफेसर साहब और हमारे इवन की नॉन टीचिंग स्टाफ भी, इस बिहाब पे डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। ये जिस तरह से किसी चीज़ को नाम दे दिया, जैसे कि अमीर चंद किसी का नाम दे दिया गया, तो अमीर चंद नाम देने से नहीं मतलब होता है कि वो अमीर इंसान होता है। वैसे ही अगर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज नाम है, तो ऐसा चीज़ बिल्कुल नहीं है कि हमारी कॉलेज किसी एक धर्म को प्रमोट कर रही है, सिर्फ एक नाम है। एक्सपोजर की जैसे इन्होंने बात करी, तो बिल्कुल एक्सपोजर काफ़ी मिलता है। एक्सपोजर की जब 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ विदेश के छात्र जब आपको मिलते हैं, तो आप उनकी कल्चर को जानते हैं, उनकी रहन सहन वेशभूषा को जानते हैं, तो एक्सपोजर नहीं तो क्या है। और दूसरी चीज़ एक और, जो सोसाइटी में आपको अपने जो इनहेरेंट इनबिल्ट क्वालिटी है उसको शो करने का मौका मिलता है, दिखाने का मौका मिलता है, तो ये भी तो एक्सपोजर ही है। जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो आपको मेट्रो का सफ़र, आप जब साउथ कैंपस के सबसे फेमस जगह सत्यनिकेतन में आप जब पार्क में घूमते हैं, वहाँ जो आप चीज़ें देखते हैं, ये एक्सपोजर नहीं तो क्या है। तो बिल्कुल हमें सोसाइटी के माध्यम से, कॉलेज के टीचर के माध्यम से, कॉलेज के स्टूडेंट के माध्यम से, कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ के माध्यम से, आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसके माध्यम से आपको बहुत सारी एक्सपोजर मिलती हैं, और ये आपके सामने चैलेंज होता है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में। बहुत बढ़िया आपने बताया कि काफ़ी एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे भी, तो साउथ कैंपस में ऐसा नहीं समझना कि एक्सपोजर नहीं, बहुत एक्सपोजर, बस आपको देखना है कि आप एक्सपोज हो रहे हो या नहीं किस माहौल में, और किस तरीके से आप उसे ले रहे हो या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे से कर दी। अच्छा, तो ये बताइए आप कि जैसे आप बिहार से हैं जी, और बिहार से जो मैक्सिमम बच्चे आते हैं, मैं खुद भी बिहार से हूँ एंड हम ये समझ सकते हैं, काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, और जो भी बिहार के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो आने वाले हैं ड्यू में या फिर हैं अभी, वो रिलेट करते हैं कि काफ़ी उनके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस सा रहता है इंग्लिश को लेकर के, कि वहाँ पे पता नहीं ड्यू में जा रहे हैं कितने, मतलब ऐसे इंग्लिश में ही पढ़ाई होगा या फिर मतलब इंग्लिश में सर्वाइव करेंगे नहीं, फिर कैसे सीखने का मौका, इस टाइप के बहुत सारे डाउट रहते हैं, कई प्रकार के डाउट रहते हैं, सारी डाउट्स तो यहाँ पे बोलना भी नहीं हो पाएगा संभव। तो आप ये बताइए कि कॉलेज में क्या माहौल है इंग्लिश को लेकर के, एंड क्या आप इंग्लिश में कुछ इम्प्रूव हुआ या फिर कैसे, क्या आप इसके थोड़ा सा लाइट डालिए। बिल्कुल, बिहारी नहीं, कुछ स्टेट बोर्ड में भी ऐसी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को लेकर, डर रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंग्लिश पढ़ने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैंने जी में इंग्लिश पढ़ा, और उनमें जो टीचर हमें मिली प्रियंका कुलहरी मैम, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी आसान बना दिया, और
पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने जीवन में कैसी बदलाव आए। रेगुलर क्लास करने का फायदा यही होता है कि आप टीचर के एक एक पिन पॉइंट को समझते हैं और पढ़ते हैं, तो उनकी जो लेक्चर थी वो तो बिल्कुल आपको एकेडमिकली हेल्प करेगी, लेकिन साथ साथ आपको मॉरली भी हेल्प करेगी। आप कैसे किसी चीज़ को देखते हैं आपकी नज़रिया में भी बदलाव लाएगी। और प्रियंका मैम ने मेरे नज़रिए में काफ़ी बदलाव लाया और मैं चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगा, तो इसके लिए प्रियंका मैम को काफ़ी धन्यवाद। प्रियंका मैम से तो मैंने भी पढ़ा है, तो काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं मैम, एंड नो डाउट उनको आपने थैंक्स बोला एंड मैं भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड जो उनका स्टूडेंट से एक इंटरेक्शन एक रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप मतलब थोड़ा काफ़ी टीचर्स ऐसे भी कभी कभी मिल जाते हैं जिससे थोड़ा आप खुल के नहीं बात कर पाते या फिर थोड़ा सा एक डर और हेजिटेशन होता है, बट प्रियंका मैम जो है उनका इतना अच्छा नेचर है कि आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, मतलब पर्सनल से लेके एकेडमिक्स बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती है एंड हेल्प करती है। तो नो डाउट तो प्रियंका मैम ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हमें भी एंड आपको भी अच्छे से पढ़ाया है, तो उन्हें तो थैंक्स। तो काफ़ी आपने बहुत चीज़ें बताई एंड बहुत स्टूडेंट्स को जो है हेल्प मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो आपको एंड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ कई सारी डली हुई हैं ड्यू से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज डले हुए हैं उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि उन्हें भी हेल्प मिले एंड काफ़ी इंसाइटफुल रहने वाला है ये चीज़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।